दोनों साइडों पे इसकी समुंदर है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। यहाँ पे लॉन्च बना हुआ है कॉफी वगैरह के लिए, चाय वगैरह के लिए। इस साइड पे भी देख लें भाई, शॉप्स हैं और ये कुछ टूरिस्ट वगैरह के काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला करम फजल शुक्र से आज के लोग शुरू करते हैं जी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ दुनिया के वाहद एक 7-स्टार होटल में, जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही है। और मुझे यहाँ पे कुछ काम था और मैंने कहा चलो मैं एक व्लॉग भी बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है 7-स्टार होटल में। वैसे तो बाहर से बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अंदर मौजूद हूँ। जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये मैं बैठा हूँ और मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रहा हूँ, किसी से मिलना था, और उसके बाद इंशाल्लाह वापसी आउटसाइड। और मैं आपको आउटसाइड का व्यू दिखाता हूँ। और अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ बुर्जुल अरब में, जो कि दुनिया का सिर्फ एक ही 7-स्टार होटल है। और इसका थोड़ा सा मैं विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही जो है ना वो रूम्स हैं, तो रूम्स में आपको पता है किसी भी होटल में रूम्स में जाना अलाउड नहीं होता। और यहाँ पे मैं लॉबी में इस टाइम बैठा हूँ, ये लॉबी की ऊपर वाली साइड है। तो भाई आपको थोड़ी सी लॉबी विज़िट करवाता हूँ और उसके बाद जो है ना वो बाहर चलते हैं, क्योंकि असली मज़ा जो है ना वो बाहर ही है। अंदर से सिर्फ इसी तरह आपको डेकोरेशन देखने को मिलेगी, जो कि अमेजिंग है, बहुत ही कमाल है। आप देख सकते हैं ये शॉप्स बनी हुई हैं। ये लॉबी की अप साइड है, नीचे रिसेप्शन वगैरह कॉन्सर्ज वगैरह नीचे है। तो ये मैं आपको लॉबी थोड़ी सी विज़िट करवाता हूँ, उसके बाद नीचे चलता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे दो एलिवेटर्स मिल जाते हैं, एक उस साइड पे, एक इस साइड पे है। ये दो एलिवेटर से एक से ऊपर आ सकते हैं और एक से नीचे। उसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के लिए बैठने के लिए उन्होंने टेबल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी है। तो हमारा टेबल ये है, इस पर हम तशरीफा भी करेंगे। और उसके अलावा सारी चेयर्स बैठी यहाँ पे लगी हुई हैं, ताकि कोई भी मीटिंग है, किसी से मीटअप है, तो आप इन चेयर्स पे बैठ के इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शॉप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ब्रांड की शॉप्स हैं यहाँ पे। मुझे तो खैर नाम भी नहीं आते, पता नहीं कौन कौन से कंट्री के हैं। फैबियो सेविग्लिया, इस तरह कुछ नाम है। ये धमानी है, 1969 से ये है। उसके अलावा यहाँ पे यार ये शॉप बहुत ही कमाल की दिखने में लग रही है। ये सामने जो है ये रेस्टोरेंट है भाई, बहुत ही कमाल का रेस्टोरेंट है और ये बहुत बड़ा भी है। उसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत शॉप्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर ही देखें, ये रूम्स हैं, यहाँ पे रूम शुरू हो जाते हैं। और भाई रूम्स के आगे सिस्टम समझ नहीं आ रही कहाँ से होगा, क्योंकि ये सारा तो मुझे बंद लग रहा है, लेकिन वो देखें ऊपर तक है, यानी कि ये अंदर से कहीं सीढ़ियाँ वगैरह जो लिफ्ट वगैरह इनके अंदर से ही हैं, और वहीं से इनकी जो है ना वो आना जाना होता है। तो भाई साहब लॉबी की इस साइड आते हैं, तो यहाँ पे ये देखते हैं जी ये क्या है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे भी कोई इतना आइडिया नहीं है। यहाँ पे ट्रैश बिन देखता हूँ मैं सबसे पहले, तो ट्रैश बिन आई कैन फाउंड हियर और नो, लेट मी सी। तो भाई साहब मेरे पास पानी की बोतल थी जो कि मैंने ट्रैश करनी थी, तो ये मुझे मिली है, इसीलिए मैं फेंक देता हूँ। और उसके अलावा भाई यहाँ पे लॉन्च बना हुआ है कॉफ़ी वगैरह के लिए, चाय वगैरह के लिए। यहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी, चाय और केक वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग है भाई साहब। इस साइड पे भी देख लें भाई, शॉप्स हैं और ये कुछ टूरिस्ट वगैरह के काउंटर्स वगैरह लगे हुए हैं, डिफरेंट यानी कि ब्रांड्स ने अपनी अपनी लिए, क्योंकि ये 7-स्टार होटल है, दुनिया का वाहिद 7-स्टार होटल है जो कि यहाँ पे वाक़ है। और अमेजिंग अमेजिंग भाई, हर चीज़ यूनिक और हर चीज़ ब्रांड, एक से बढ़ के एक। तो भाई साहब अगर बात करें कि इधर रूम कितने का है, तो भाई रूम इधर बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर मैंने चेक किया था तो इधर तकरीबन डॉलर्स में, भाई रुपयों में और दिरहम्स में बात नहीं होती, यहाँ पर डॉलर्स में बात होती है। यानी कि तकरीबन पर नाइट 4,000-5,000 डॉलर जो मिनिमम है, ठीक है। ये देखें इस साइड पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे, और ये मैंने आपको लॉबी विज़िट करवाई, तो लॉबी में तकरीबन ओवरऑल आपको शॉप्स देखने को मिलती हैं। तो अभी एलिवेटर से नीचे चलते हैं और मैं आपको नीचे वाली लॉबी भी विज़िट करवाता हूँ। तो यानी कि बहुत ही महंगे रूम्स हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये फिशेरियम बना हुआ है, मतलब माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मछलियाँ, और ये रियल हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग किस्म की ये इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन की है लिफ्ट के साथ ही बिल्कुल, जो कि अमेजिंग है और बहुत ज़बरदस्त भी है। और ये मैं इस टाइम नीचे आ गया हूँ, यहाँ पे है रिसेप्शन और ये भाई कॉन्सर्ज है, और उस साइड पे है रिसेप्शन और ये है इनकी लॉबी। ये मेन लॉबी है और ये है मेन एंट्रेंस, और ये आप यहाँ पे सिटिंग एरिया सारा कुछ देख सकते हैं। तो भाई अभी चलता हूँ बाहर और आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से हम बाहर चलते हैं और आपको बाहर का विज़िट करवाता हूँ। तो भाई साहब जैसे मैं बाहर आया हूँ, बाहर आपको मेरे पीछे नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये है लॉबी की आउटसाइड। और यहाँ पर भी इन्होंने ये डेकोरेशन एक अक्षर टाइप बनाई हुई है। और ये देखें जी, मैं इस तरह कैमरा नीचे करता हूं तो शायद आपको पूरा नजर आए, बल्कि मैं इस तरह आपको दिखाता हूं। ये देखें जी लॉबी का व्यू तो देखा ही देखा, अभी बाहर का व्यू देख के आप और हैरान नहीं परेशान हो जाएंगे भाई साहब। ये देखें जी बाहर का व्यू, दोनों साइडों पे इसकी समुंदर है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और देखें जी समुंदर का नजारा माशाल्लाह, नीचे पानी ही पानी है और ये बहुत ही गहरा पानी है भाई साहब, बहुत ही गहरा पानी है। और ये देखें जी ये सामने जुमेरा बीच होटल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बहुत ही अमेजिंग होटल है। और उसके अलावा वो देखे सामने होटल बन रहा है यार, क्या कमाल का होटल बना।
तो भाई साहब जुमेरा बीच के पास ही बिल्कुल है ये 7-स्टार होटल, और ये है इसका नाइट व्यू जो कि मुख्तलिफ लाइट से घिरा हुआ है। यहाँ पे बड़ी दूसरी लाइट्स नहीं चलाते, सिर्फ इसी तरह ग्रीन ब्लू और रेड लाइट्स चलाते हैं इसी तरह। और इसके साइडों पे रेस्टोरेंट्स हैं नीचे और इस साइड पे भी, और दोनों साइड जो है ना वो ढकी हुई है, और साथ समुंदर है। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा होटल है भाई साहब, अमेजिंग है। लेकिन जितना प्यारा है उससे कहीं गुना ज्यादा महंगा भी है। आज हमने किया दुनिया के एक ही 7-स्टार, 1 & only 7-स्टार होटल का विजिट, जो कि हमें बहुत ही पसंद आया, बल्कि मुझे तो बहुत आया, आपको पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, यकीनन बहुत पसंद आया होगा। तो आज का हमारा ये है व्लॉग, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।